चुड़की 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 चुक गई। जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत। और वो गिर गया यार पीछे। मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रप्रयाग। आज है 18 दिसंबर और हम अभी ठहरे हुए हैं रुद्रप्रयाग के अंदर। यहाँ पे जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर था और काफी बढ़िया ठंड हो रखी है और पीछे वहाँ पहाड़ पे बादल। आज हम जा रहे हैं चोपटा के लिए। चोपटा यहाँ से 70 किलोमीटर के अराउंड बता रहे हैं। जाने के बाद सीन देखेंगे कि क्या अपन वहाँ पे ट्रैकिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते। और यहाँ पे जो अभी हवा है वो भी काफी तेज चल रही है। और जैसा कि राइड शुरू होने से पहले हम लोगों ने स्नान किया था तो अभी तक स्नान का कोई प्रोग्राम नहीं है। भाई ठंड इतनी है कौन ना है यार। ओके तो यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसा सीन है कि वो जो है वो दूध की डेयरी है जो कि यहाँ पे गांवों के अंदर से दूध कलेक्ट करके लेके आती है। अच्छा सिस्टम लगा यार इसको, नाम दे रखा है इन्होंने दूध ATM। 500 रुपए के रूम में मस्ती करते हुए छोरा, 5 दिन हो गए ना आए हुए इसको। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और मैंने ऑलरेडी 3 दिन से एक ही सॉक्स पहन रखे हैं तो आज सॉक्स चेंज कर लेते हैं। नहीं यार 2 ही सॉक्स हैं, अभी तो ट्रैकिंग भी करनी है और वहाँ ओली के अंदर पता नहीं कितनी ठंड पड़ रही होगी। तो भैया जो सॉक्स है वो चेंज करना कैंसिल। भाई साहब ठंड बहुत है, जो पराठे बनाए थे ठंडे भी हो गए। तो टाइम हो चुका है 9:30। अपनी बाइक्स को अपन ने लगा दिया है वार्म अप के लिए और ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है, काफ़ी देर से चल रही है। और यहाँ पे अभी अपन ने ब्रेकफास्ट कर ही लिया है। रास्ते में या तो कहीं से बाइक में पेट्रोल फिल कराएंगे और इसके बाद फिर यहाँ से अपन निकलेंगे बद्रीनाथ, नहीं केदारनाथ वाला किसी रूट पे तो जाएंगे और जाएंगे चोपटा के लिए निकलेंगे। सामान सारा ऑलरेडी अपन ने डाल ही दिया है। ये कुछ सामान जो बचा हुआ है ये अपन को टॉप बॉक्स में डालना है, इनसे मिला देते हैं एक बार। ये उदेश भाई है और इनके यहाँ पे इस होटल में रुके थे अपन। अब निकलेंगे यहाँ से, इनसे भी रात को खूब बातें करी हैं अपन ने बैठ के, यहीं आग सेक रहे थे। तो ठीक है फिर मिलते हैं बाइक के ऊपर। कल के किलोमीटर हुए हैं वो 148 हुए हैं, आज अपन इसको अभी जीरो कर देता हूँ भाई। हाँ मेन मार्केट है उस साइड चलेंगे और फिर वहाँ से अपन लेफ्ट साइड में अपन को घूमना है। भाई ये जो पुल है अभी अपन जिस पे जा रहे हैं, ये जो केदारनाथ में फ्लड आई थी उस टाइम इसके ऊपर से पूरा पानी ओवर फ्लो हो रहा था, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। और भाई साहब अभी देखो इसमें पानी का लेवल कितना नीचे है हाल फिलहाल। तो यार मतलब सोचो इस पुल के ऊपर से पानी आ रहा था, कितना पानी आया था यार। तो भैया उधर से वो पूरी देखो मंदाकिनी आ रही है और यहाँ पे पानी का फ्लो देखो भाई कितना तेज आ रहा है। ये इधर से आ गई आपकी मंदाकिनी जो केदारनाथ से, और बद्रीनाथ से आ रही है ये अलकनंदा। और यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ना पानी का भैया अल्टीमेट साउंड है अभी, मतलब बहुत तेज है। पता नहीं आपको एक्शन कैम में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं आपको। और कहते हैं कि मई अप्रैल मई के उस महीने में जो इसका पानी है बिल्कुल ब्लू हो जाता है, बिल्कुल साफ। जय हो गंगा मैया की, हर हर गंगे मैया। यही आगे जाके गंगा बन जाती है, अभी यहाँ इसके नाम चेंज होते रहते हैं। यह ऋषिकेश हरिद्वार तक जाते हैं फिर इसका एक नाम हो जाता है गंगा। जबरदस्त अल्टीमेट। और फिर मैं वहाँ बैठकर प्रकृति के इस मधुर संगीत को एंजॉय करने लगा। ये गंगा का घाट था और अभी अपन चलेंगे यहाँ से। काफ़ी शांति मिली है यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिता के बैठ के और काफ़ी अच्छा भी लगा। मतलब गंगा आरती भी होती है, समय सारणी है, ग्रीष्मकालीन है ये। यहाँ पे रास्ते के अंदर यहाँ रोड चौड़ी करने के लिए शायद ये काम किया जा रहा है, तो अभी वहाँ से पत्थर उठाने का काम चल रहा है। ओके तो अभी थोड़ी देर के लिए रास्ता ओपन हो गया है सो ट्रैफिक निकालने के लिए। देखो यहाँ पे ऐसे चट्टान फोड़ी जा रही है। होटल के प्राइस है 79.47 और अभी टैंक को करा रहे हैं फुल।
ओके, जो अभी जो कल की राइड थी उसका अपन को जो एवरेज मिला है वो 25 का एवरेज मिला है। अभी पेट्रोल करा लिया है, फिल दोनों बाइकों में फिल हो गया। आप सीधा अपन निकलेंगे चोपटा के। रुद्रप्रयाग से यहाँ वाला रास्ता था, मतलब चोपटा वाला, तुंगनाथ वाला, चारधाम का जो एक्सप्रेस हाईवे योजना है उसके अंतर्गत इस पे क्या इसको रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है। तो जहाँ जहाँ रोड बन चुकी है वहाँ तो काफ़ी बड़ा हाईवे बन गया अच्छा खासा, और जहाँ जगह जगह बीच बीच में जहाँ रोड नहीं बनी है वहाँ भी काम चल रहा है। जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। तो मतलब पहाड़ों में जो नहीं चला सकते हैं बाइक और कार वो भी आराम से ला सकते हैं। तो भाई ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं ना उनमें चलना है अपन को, और जैसे जैसे उधर बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। ये देखो रोड के हाल ऐसे हो रखे हैं कुछ। आओ तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रख के आना, नाइट में इधर राइड करने से यार बचना ही, क्योंकि नाइट में हिसाब सही नहीं बैठेगा। देखो पूरा किचड़ आ गया, किचड़ 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 गई। जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत। ओ बच गए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे लो इसलिए है क्योंकि मेरा सारा ध्यान भाई यहाँ राइडिंग के ऊपर है। रोड के देखो हाल देखो कैसे हैं, तो इस चक्कर में मेरा सारा ध्यान रोड पर रहता है। ओए हाय नज़ारा, और ऊपर से ऑफ रोड ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, तो देखते हैं। सूखी है, निकल जानी चाहिए आराम से साहब। शानदार, ओ सामने नज़ारा देखो भाई साहब। अपनी गाड़ी को यहाँ पे अपन ने अभी पार कर दिया है, और वहाँ देखो फुल बर्फ। हुई भाई साहब झरनी आ रही है, झरना 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 ओ किधर चले। लेकिन चोपटा किधर है? चोपटा किधर है? चोपटा सीधे जाओ नीचे। बाय बाय बच्चों, में जोश आ गया। ओके तो अभी चाय पीने के लिए रुके हैं शायद वहां पे। नारंगी है, संतरा है, क्या है, बहुत सारे लगे हुए हैं। देखो पूरे इस पे पेड़ पे लगे हुए हैं। ये बजरंगबली, ये वो ग्वार था, ये केला आ गया। इतने पास पास गांव है, 20-20 घरों के, 10-10 घरों के एक एक गांव बना दिए गए हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब पोज में गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। यहाँ पे अगर किसी को पता है कि ये जटाएं से क्या लटकी हुई है तो बताना, ये जटाएं क्या है? ये बांस रखी हुई है ऊपर ताकि ये सूख जाए और ये आग जलाने के काम आ जाए। ओके तो हमारे गोबर देसवाल जी बता रहे हैं कि ये जो है घास फूस रखी हुई है पेड़ों पे सुखाने के लिए, ताकि ये इसको फिर जलाने के काम में लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गोबर देसवाल सर। सॉरी गौरव देसवाल सर। तो अभी हमें रास्ते की पहली बर्फ मिल गई है, स्नो। देखो बिल्कुल स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। रुक गया, लेट्स डाउन। वो गिर गया यार पीछे, गई 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 और गाड़ी फंस गई। देखो ये देखो, यही पे होली के मजे लेंगे। हालात तो बहुत खराब, एक्शन कैम भी खराब हालत होगी भाई। अपन भी साथ चलेंगे इसके, उधर मत जा की, और सब मिलके इन बाइकों को निकालने की कोशिश करेंगे। Water and sky, blue, 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 water and sky, water and sky.